खेती हो रही है ना, अब ये गेहूं की होगी, तो गेहूं के टाइम तो ये खांसी और ये फोटो में आप लोग देख के बता सकते हैं। अम्मा को तेल पसंद है हमारे निहार कोकोनट और इतनी रही है, अम्मा यूज़ करती है। तो ये चेक कीजिए, ये हमारे मदन ताऊ जी, ये तो आप लोग अभी चेक कर रहे होगे ना पूरा खेत बढ़िया से। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होगे। तो आप लोग देख रहे होगे आज अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ गए थे और अब ना घर का काम शुरू हो रहा है। आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ वीडियो के माध्यम से, हमारे ना अम्मा की फोटो है, अम्मा बूबू और इसमें ताऊ जी, जो कि आप लोगों को एक बार बैक कैमरा करता हूँ। तो ये चेक कीजिए, ये हमारे मदन ताऊ जी, ये हमारे बूबू और ये हमारी अम्मा। अम्मा का लुक आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल राजस्थानी लुक आ रहा है इसमें, ऐसा लग रहा है राजस्थान के बैठी हुई मेरी अम्मा। पहले ज़माने की फ़ोटो है ये, आज से समझ सकते हो अम्मा की अभी एज समझ के, एज देख के और ये वाला फोटो देख के। अम्मा इधर देखो, ये देखो, ये देखो मेरी अम्मा इस टाइम पे ऐसे और ऐसे। आप ऐसे थे जब मम्मी की शादी हुई, बोल रही मम्मी, ये तब की फोटो है। ये कौन है अम्मा? मदन। अच्छा, और बीच में बूबू। अच्छा, बूबू हैं। ठीक ठीक ठीक, तो अम्मा से ही पूछ के बता रहा हूँ मैं आप लोगों। और अम्मा का ना मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ अभी, सबसे इम्पोर्टेंट क्या दिखाता हूँ, अम्मा जो जो क्रीम यूज़ करती है और अम्मा के लिए क्या क्रीम रख रखी है उनके नाती ने, तो आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ किसी घर की। अभी मैं यहाँ सफाई कर रहा था ना, तो मैंने सोचा चलो सफाई के माध्यम से आप लोगों को अम्मा की चीज़ें भी दिखाता हूँ। अम्मा को तेल पसंद है हमारे निहार कोकोनट ऑयल, अम्मा यूज़ करती है वैसलीन, अम्मा यूज़ करती है देखते रहिए, अम्मा यूज़ करती है हिमालय का क्या बोलते हैं बॉडी लोशन, नारियल तेल। और अम्मा के लिए परफ्यूम देखिए, ज़ारा का ले रखा है ये वाला परफ्यूम। तो अम्मा के लिए ना बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट हैं यहाँ पे रखी रहते हैं, जो कि जो जो अम्मा को पसंद आता है वो सब। और इस तरफ में आप लोग देखेंगे ये देखिए, अरे अम्मा की बीच में अम्मा को खांसी बहुत हुई थी तो अम्मा के लिए घुट्टी भी लेके आए थे हम टाइम, तो ये खांसी के लिए यूज़ होता था अम्मा का। अब मम्मी लोग बोल रहे हैं इसको मत दिखा। और ये फोटो में आप लोग देख के बता सकते हैं कौन है, इसे मेरे को शायद बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। ये हमारी माता श्री, जो कि अभी आज से पहले ऐसी दिखती थी और अभी ऐसी दिखती हैं, जैसे फोटो में पहले थी वैसी मम्मी अभी भी, हल्की फुल्की चेंज हो रखी है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। और सुबह सुबह ही शेखर मामा हमारे लिए देखिए फली ले आया, ये फली सब्जी जो कि अम्मा को पसंद आती है। और अंदर ना सफाई चल रही बढ़िया से, जो कि ज़रा अंदर झाड़ू लगाने में, क्योंकि मम्मी को बोला रेस्ट करो मैं करता हूँ। ये देखिए ज़रा पूरे अंदर झाड़ू लगा रही है, पूरे अंदर सफाई चल रही है, जितनी भी गंदगी थी सब बाहर निकाल दी है। हमारा ज़रा झाड़ू लगा रहा है, फिर तू? मैं भी तो लगा रहा हूँ, मैंने साफ नहीं किया वो डब्बे। कलयुग छह भाई हो, कलयुग में ऐसा बोला वहाँ। तो मेरी अम्मा कह रही है तेरे को शर्म होनी चाहिए, जरा तेरा वो कर रहा है और तू ये कर रहा है। और सुबह सुबह ही हमारे ये सुग्रीव मामा देखिए पहुंच गए हैं, ये बढ़िया से देखिए ट्रैक्टर लेते हुए ला रहे हैं। अब यहाँ पे ना गेहूं की फसल आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये देखिए। अम्मा मेरी ना 3 महीने बाद घर के पास पहुँची है। अम्मा, अम्मा से एक बार रिव्यू लेते हैं। अम्मा इधर देखो, कैसा लगा अभी आपको मम्मी और मैंने काम किया यहाँ पे, कैसा लग रहा है? साफ सफाई हुई? अम्मा तुलसी का पेड़ सब सूख चुका था, तो अम्मा को यहाँ पे ना सब चीज़ के बारे में बताना पड़ रहा है कि क्या क्या सूख चुका था। अम्मा ये फूल कौन लाया था आपके लिए? ये देखिएगा, इसमें गुलाब का फूल लेके आया था अम्मा के लिए, हाईब्रिड का था ये पूरा। तो अम्मा को ना मेरे गुलाब के फूल काफ़ी पसंद है, तो जो जो अम्मा को पसंद आता है वो कर देता हूँ मैं। और सारी जो भी घर के अंदर थी ये देखिए, ये लाई है, ये मक्के का मक्के रखे हुए हैं, ये धान रखे हुए हैं, जो कि फसल पूरी तैयार है। जो जो हमारे घर के पास है ना सब चीज़ आप लोग देख सकते हैं। और जो घर के अंदर के ठंडे कपड़े हैं वो बाहर निकलने लग गए हैं। और बस वाले को मैंने, बस वाले ने भी टाइमिंग दे रखी है, जो कि बरेली से निकल चुके हैं। अर्जुन भाई ने भी उन्हें, जो मेरी बाइक थी मैंने पिछली वीडियो में बताई थी आपको कि मेरी बाइक की चाबी वहीं रह गई थी बरेली में, अब वो पहुँच रही है 2 घंटे बाद, खड़ी में आएगी, मैं जाऊँगा ले लूँगा, रिसीव करूँगा और 50 रुपये उन भैया को देने हैं वहाँ पर। तो 50 रुपये में चाबी पहुँच रही है मेरी बरेली से 110 किलोमीटर पर। तो ये है फास्ट सर्विस, देखिए। तो हर 6 महीने के बाद ना नई नई फसल देखने को मिलती है, कभी धान की तो कभी गेहूं की, तो ये हर बार हर सीज़न में नई नई तरीके से देखने को मिलती है। तो आप लोग देखेंगे हर कोई इंतज़ार करता है अपने अपने समय आने का,
भाई फिर से गेहूं की बारी आ चुकी है। अभी जो खेती हो रही है ना, अब ये गेहूं की होगी, तो गेहूं के लिए खेत तैयार किया है सामने, जो कि आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो आप लोग अभी चेक कर रहे होगे ना, पूरा खेत बढ़िया से इसमें एक लेवल पे कर दिया, देखिए प्लेन। अब उसके ऊपर से क्या है, जिस पे गेहूँ बोए जाएंगे तो वो भी आप लोगों को दिखाई जाएंगे। और मम्मी ना किनारे किनारे की जो घास है वो क्लियर कर रही है, देखिए यहाँ पे नीट एंड क्लीन, ये देखिए। और देखिए किनारे किनारे में घास कैसे रह जाती है, जो कि पिछली बार जो अभी धान हुए हैं तो उसके साइड साइड के रह गए हैं, इसे काटना है पहले, यला एरिया ना कवर नहीं कर पाता ट्रैक्टर। तो गाइस यहाँ पे जल्दी से नहा धो के तैयार हो गए हैं, और थोड़ी सी दिक्कत क्या हो गई, बस पहुँचने वाली है और हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। देखते हैं कि बस को हम कवर कर पाते हैं नहीं कर पाते, हमें जल्दी से जल्दी खड्डियों में पहुँचना है, उसके बाद देखते हैं कि कैसा रहता है। मेरे को तो नहीं लगता कि हम पहुँच पाएंगे। वो पहुँच गए टेढ़ा घाट पे। अब यहाँ से हमारा डिस्टेंस है 15 किलोमीटर और ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा, देखते हैं कैसा रहता है, नहीं तो क्या करेंगे वहाँ पर जो भी कोई आइसक्रीम वाला होगा उसे पकड़ा देंगे। तो गाइस चेक कीजिए, ये न्यू शूज़ रखे हुए हैं और इधर आने मेरे को अपने दे दिए हैं अभी इस टाइम पे, ये देखिए बिल्कुल ब्रांड न्यू शूज। मेरे वाले ना फट गए थे केदारनाथ वाले रोड पे चलते चलते। चलो तो सब आ गए, देखो भाग भाग के आ रहे हैं सब, क्योंकि हम हो चुके हैं लेट और वो पहुंच चुके हैं टेढ़ा घाट। कभी किसी को कुछ नहीं मिल रहा तो कभी कुछ नहीं मिल रहा, इस टाइम ऐसा हो जाए। ये देखो मम्मी भी आ गई, सब भागा दौड़ी करते हुए आ रहे हैं। कीजिए ये वाला स्टैंड था ना जस्ट यहाँ पे, देखिए ये भाई की दुकान थी अपनी, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया था, मैंने लगा चाबी आ गई अपने पास, मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं, बोलते ना लेट होने के बाद भी बस दिमाग लगाओ और चाबी पाओ, तो नियर बाय मैंने चाबी ले ली थी वहाँ से। ठीक है गाइस, आप जो खड़ियों में ना हमारे बड़े छोटे छोटे समोसे मिलते हैं, आप लोग देखेंगे 10 रुपये के 4 समोसे, ये देखिए इनका साइज। ठीक है, छोटे छोटे समोसे जो कि 10 के 4 मिल रहे हैं यहाँ पे। आज फाइनली अमा के लिए एक और चप्पल आ गई, नहीं देखिए ये देखो अमा, ये लो बधाई हो आपके लिए नई चप्पल आ गई, ये लो हमारी नई चप्पल है, ये दरागी रे और ये मेरी, और एक BMW वाली पहनी हुई है वो कभी कभी यूज़ होती है, और ये चेक कीजिए ये मेरी। मार्केट से घर पहुंच चुके हैं और आप लोग देखोगे ना खेतों में यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा है और सामने जो कि गेहूं की तैयारी चल रही है। एक बार मैं आप लोगों को पीछे का क्लिप दिखाता हूँ, आप लोग देख पाएंगे कि कैसे गेहूं को बोया जाता है खेतों के अंदर। खेत में जाते हैं तो आप लोग देखेंगे सामने, देखिए दोनों जो मामा अपने बढ़िया से हाथ पे कट्टा लेके राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और सीधे सीधे स्ट्रेट स्ट्रेट डाल रहे हैं जैसे जैसे, फिर बाद में एक टाइम बाद आप 1 से 2 हफ्ते बाद इसमें देखेंगे पूरे हरे हरे बालियाँ निकलेंगे छोटे 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 करके। तो जैसे जैसे रहेगा ना आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं दिखाते रहूँगा। और ये मामा ने अभी जस्ट नया ट्रैक्टर ले रखा, देखिए न्यू हॉलैंड का 3630, और यही है वो गेहूँ जो इस पूरे खेत में जा रहा है, देखिए ये सिंगल कट्टा, और यही पूरे इसमें बोया जा रहा है। तो अभी क्या करना है, अभी ना खटीमा में फिर से काम आ गया है, जो अभी हम खटीमा से आए थे फिर दोबारा खटीमा जा रहे हैं, जो कि गैस का चूल्हा बनाना है और अमा की जो पुश्तैनी टीवी है उस टीवी को हमें सुधारना है दोबारा, वो ख़राब हो चुकी है, ये देखिए यहाँ पड़ी है ये, और ये लास्ट अटैम्प्ट है, इस बार ख़राब हो जाएगी ना तो बस ये सीधे बदली आएगी। अब हम लोग चेक करेंगे ना जैसे ही पूरे खेतों में गेहूँ पड़ जाते हैं उसके बाद आप लोग देखेंगे उसके, और ये देखिए पूरा गेहूँ मिक्स हो जाएगा उसके अंदर खेतों में, और जहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ मामा अपने हाथों से देखिए बराबर पैरों के कदमे चला के उसे बो रहे हैं। काम आ चुका था घर में, देखिए ये जो चूल्हा है हमारा ये ख़राब हो गया है, उसको बनाने के लिए फिर खटीमा लेके जा रहे हैं। और हमारे ने बढ़िया से देखिए प्यारे प्यारे फूल बो रखे हैं, तो इसे मुर्गी वाला फूल कहते हैं, पता नहीं गांव घरों के नाम रहते हैं, आप लोगों को पता हो तो ज़रूर बताएं, ये फूल मुर्गी वाला नाम है इसका। और ये लैम्प फूल देखिए रेड रेड कलर के, पूरे लैम्प जैसे फूल नीचे को जाते हैं डाउन, सामने देखिए
बढ़िया सी क्यारी लगा रखी है हमने किनारे किनारे, हमारे हजारी के फूल लगा रखे हैं जो कि पूजा पाठ में काम आते हैं। ये चेक कीजिएगा इस बढ़िया से अमा का, ये देखिए तैयार हो गया गैस चूल्हा। तो फाइनली गाइस घर का सारा काम हो जाता है, गेहूं की फसल भी तैयार हो जाती है। अब कुछ टाइम बाद आप लोगों ना इसमें छोटे 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 जब गेहूं निकलेंगे तब आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।